हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्काईलार्क इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। एंड टुडे आई लाइक टू टीच यू पैसिव टू एक्टिव। आपने एक्टिव टू पैसिव पढ़ा और बेटा मुझे एक्सपीरियंस है कि आपको कोई भी चीज़ अगर एक सीक्वेंस से पढ़ाई जाती है तो वो ख्याल में रहती है, लेकिन जब कभी भी आपको पैसिव टू एक्टिव बोला जाता है तो बहुत सारे बच्चों को उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको एक्टिव वॉइस पता है, एक्टिव का अगर आप पैसिवाइज कर सकते तो पैसिव टू एक्टिवाइज करना भी आसान है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड हाउ कैन वी मेक इट ईजी? So today it's my guarantee to you that you will 100% learn it. Now see here, passive to active, आपको क्या करना है? सबसे important बात, don't make hurry, गड़बड़ करनी नहीं है आपको। फर्स्ट स्टेप, इसकी फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई टेंस। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई वॉइस। और थर्ड स्टेप में अगर वो पैसिव है तो उसे आपको एक्टिव करना है, और अगर वो एक्टिव है तो उसे आपको पैसिव करना है। अब क्या करना है आपको? जो भी सेंटेंस दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन इंग्लिश मेनी टाइम पैसिव वॉइस इज यूज्ड विदाउट डूअर। फॉर एग्जांपल, ई पैसे Students are taught, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। Now आर ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये थर्ड फॉर्म ये इंडिकेट करता है कि ये पीवी है, पैसिव वॉइस है। और यहां पर आपको एक बात अज्यूम करनी है, स्टूडेंट्स आर टॉट, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। तो यहां पर आपको यह अज्यूम करना है बाय देयर टीचर। तो ये सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, ये आपकी चॉइस है। अगर वो स्टूडेंट आपके भाई साहब से पढ़ाए गए हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पर माय बिग ब्रदर, आप लिख सकते हैं, आपको फ्रीडम है। आप यहां पर बाय देम भी ले सकते हैं, बाय हर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से कोई तो भी एक को चुनना है। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको एक्टिव करना है। तो यहाँ पर अगर मैंने अब देम लिया तो आई विल टेक दे एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। देम ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर मैंने इसकी सब्जेक्टिव केस ली। दे टीच स्टूडेंट्स, ये इसका होगा आंसर, they teach students. Now see here, its subject, its main verb and its object. यहाँ पर ये sentence passive में है, ये active में है। यहाँ पर students को अहमियत दी गई करके यहाँ पर passive voice को use किया गया, लेकिन यहाँ पर subject को अहमियत दी गई तो इसको active voice बोलते। तो in this way you can find out any answer of passive to active. Okay.
सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया, वो बहुत आसान था। अब अपन एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर एग्जांपल है सम बुक्स वेयर स्टोलन, सम बुक्स वेयर स्टोलन, नाउ हियर वेयर। सो आपको सबसे पहले हिंट मिलनी चाहिए वेयर है, इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है और ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब मुझे इसे एक्टिव करना है। वंस अगेन आई विल हैव टू टेक डूअर, बाय हुम वेयर सम बुक स्टोलन, किससे चोरी हो गए, बाय गोपाल। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला गोपाल नाम का लड़का है, उसने चुराए। तो अब बाय गोपाल को आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। अब एक्टिव में इस सब्जेक्ट को आपको पहले लेना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट को अगर मैं पहले लेता हूं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, पहले मुझे लेना पड़ेगा गोपाल। गोपाल स्टोल सम बुक्स। क्या किया मैंने, पहले सब्जेक्ट लिया, V2 लिया और बाद में मैंने ऑब्जेक्ट लिया, यानी इस गोपाल को एट द बिगनिंग, देन सिंपल पास्ट टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 लेना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लेना है। दिस इज PV एंड दिस इज एक्टिव वॉइस। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट। नाउ वी विल सी द थर्ड एग्जाम्पल। इफ आई से 27 बॉडीज वेयर बीइंग टेकन टू द पीट बॉटम, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस लिया मैंने। एक माइन में कुछ जो माइनर्स थे जो वर्क कर रहे थे, तो एक्सीडेंट होने की वजह से वो वहां पर ट्रैप हो गए। तो अब उनके बॉडीज को निकालने का जो काम था वो चालू था, तो उसमें से 27 बॉडीज वेयर बीइंग टेकन टू द पीट बॉटम तक उन्होंने 27 बॉडीज को लाया गया जा रहा था। ये सेंटेंस वेयर बीइंग टेकन है, इसका मतलब दिस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये PV में पैसिव वॉइस में है। यहां पे भी बाय होम दैट हैज नॉट बीन गिवन, बट व्हेनेवर एक्सीडेंट टेक प्लेस इन सच सिचुएशन वी टेक द हेल्प ऑफ रेस्क्यू टीम। तो यहां पर बाय रेस्क्यू टीम ये ऑब्जेक्ट हो गया, तुम ये ऑब्जेक्ट ले सकते या रेस्क्यू टीम के जो मेंबर है उनके लिए आप दे यूज कर सकते। आपने दे ये सब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया। अब आपको ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव में बनाना है। तो ये सेंटेंस होगा दे वर टेकिंग 27 बॉडीज टू द पीट बॉटम। यहां पर मैंने क्या किया, पहले मैंने दे लिया, बाद में मैंने एज पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई हैव टेकन वेयर, आफ्टर वेयर वी टेक प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट लिया और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इन दिस वे एनी सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। आपने पैसिव का सेंटेंस देखने के बाद डरना नहीं है, सोचना है। अगर आपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और आपको ये पता चल गया
कि भाई ये पास परफेक्ट में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उस सिर्फ उसमें आपको अगर डूअर दिया नहीं गया है तो वो डूअर लेना है, डूअर को आगे लेना है, और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेंसेस पैसिव टू एक्टिव आप कर सकते। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू टू सेंटेंस फॉर योर प्रैक्टिस। यू वेयर taught grammar there, or second sentence, she is being honored for this होली वर्क। ये दो सेंटेंस आपके लिए है, इसके बारे में सोचो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।